बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, तो आज जिस रेस्टोरेंट का मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ, ये है जिनसॉय एक्सट्रीम चाइनीज़। अच्छा, एक्सट्रीम से जो है वो आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि बहुत ही चटपटा सा और स्पाइसी किस्म का जो है वो यहाँ पर फूड मिलेगा। तो जी हाँ, एक ज़माने में मिला करता था। तो आगे चल के मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको देती हूँ। अच्छा, ये नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक डी में रेस्टोरेंट है। पहले ये भी ब्लॉक डी में था, जहाँ तंदूर रेस्टोरेंट है और मेन रोड पे ही है, 5 स्टार के पास। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट जो है वहाँ से मूव हो गया था और इसने अपनी जगह तब्दील कर ली है। जी हाँ, थोड़ी सी ही दूर आगे ही, यानी ब्लॉक डी में ही ये रेस्टोरेंट मूव हुआ है। और आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इंटीरियर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हॉट पॉट भी आपको मिलेगा, जो हॉट पॉट खाने के शौकीन हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ नाजमाबाद में मेरे ख्याल से ये भी यहीं पे ही ये अवेलेबल है। ओल्ड वाले जिनसॉय में मेरा बहुत दफ़ा जाना हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये कुछ महीने पहले ही जो ओपनिंग हुई है। और आप यहाँ का इंटीरियर देख सकते हैं, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नीट है। मगर हमेशा की तरह वही बात कि कितना ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो और आपने रेस्टोरेंट को मेंटेन करके रखा हो, लेकिन अगर आपकी खाने की क्वांटिटी से क्वालिटी दोनों चीज़ें जो है वो मुनासिब ना हो, तो फिर कोई अहमियत नहीं रहती। अच्छा, इन्होंने अपना ऊपर भी जो है वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, यानी पूरा सेटअप किया हुआ है, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई, वरना आपको जो है वो यहाँ का भी विज़िट करा दी। मैं नीचे ही जो है टेबल पर थी और यहीं से ही फूड को किया था एंजॉय। तो बैठे बैठे आपके लिए जो है वो छोटा सा क्लिप भी बना लिया। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है दिया जाएंगे क्रैकर्स, और क्रैकर्स के साथ जो है वो चटनियाँ वगैरह भी होती हैं। और ये अच्छी बात ये है कि क्रैकर आपको जो है रिफ़िल करके भी देंगे, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपको रिफ़िल भी करके दे देते हैं। और बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत अच्छे थे। और सबसे मज़ा जब आता है जब आप इसको सूप के साथ जो है वो इन्जॉय करें। तो यहाँ पर जो है क्रैकर्स को कर रहे हैं इन्जॉय और फिर खाने का मेन्यू कर रहे हैं डिसाइड। अच्छा, इसको मेन्यू बुक बोलेंगे, मेन्यू कार्ड बोलेंगे, लेकिन ये मुझे बुक लग रही है। लेकिन बेचारी जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। ज़रा हालात इस बुक के मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आप यहाँ पर देखें कि कौन कौन से फूड आपको यहाँ पर मिलेंगे चाइनीज़ में, और साथ साथ प्राइस भी मेंशन है। अच्छा, ये जो दो लाइन के साथ प्राइजेस हैं, एक में हाफ़ के प्राइजेस हैं और साथ में जो है फैमिली जो है आपको सर्विंग होगी। दो सर्विंग होती है, एक हाफ़ सर्विंग और फैमिली सर्विंग। तो इनके प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी और इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ चुका है, यानी काफ़ी हाई प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर बस डिसाइड हो रहा है कि क्या मंगवाया जाए। और सूप का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि पहले सूप करेंगे इन्जॉय और उसके बाद जो है वो खाने को करेंगे इन्जॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने अपनी जो है ब्रांचेस खोल ली हैं। तो यहाँ पर सूप का कर रहे हैं वेट और हमारी हो गई है टेबल सेट। तो आ गया है हॉट एंड सॉर सूप, जो हमेशा की तरह मेरा फेवरेट सूप रहा है, और जिनसॉय का तो मेरा फेवरेट ही सूप था। लेकिन मुझे बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं इसमें से चिकन और प्रॉन्स को ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे ज़्यादा मिल जाए। पहले एक ज़माने में काफ़ी प्रॉन्स, चिकन्स और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह दली हुई होती थी, लेकिन अब बहुत कंजूसी से जो है लग रहा था ये सूप को बनाया गया है। अच्छा, टेस्ट के मामले में तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था इसका। मुझे कोई सॉस इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन एक बात से मुझे दुख ज़रूर पहुंचा। जी हाँ, दुख इस बात से पहुंचा कि इसमें मुझे चिकन बहुत कम नज़र आई और प्रॉन्स तो मुझे इसमें नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो मेरा दिल ज़रा टूट सा गया था, क्योंकि जिनसॉय का सूप हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, और इसमें जो है वो प्रॉन्स की, चिकन की भरमार रहती थी। वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा ये लोग डालते थे, लेकिन आप देखें बिल्कुल मुश्किल से बेचारी एक चिकन जो है वो मेरे स्पून में आई है। तो बस मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप लोग जो हैं वो क्वालिटी अपनी अगर ज़्यादा अच्छी बना के रखें, आप उसको जो है मेंटेन करके रखें तो क्या जाता है। अब यही बात होती है ना कि प्राइजेस तो आप हाई कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी जो है वो क्वालिटी को जो है वो डाउन कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो जो फूड ऑर्डर किया था वो भी आ गया था, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन टेस्ट लेस था। किसी में भी मुझे टेस्ट नज़र नहीं आया। एक ज़माने में इनका चाउमीन इतना मज़े का होता था, इतना स्पाइसी होता था कि मज़ा आ जाता था,
और अब मुझे लग रहा था कि इसमें जो है वो नमक मिर्चें भी इन्होंने बिल्कुल ही कम ही डाली हैं, जैसे कोई बीमार लोगों ने ऑर्डर किया है जिनको डॉक्टर ने मना किया है कि आप ज़रा मिर्चें और नमक नहीं खाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस मैं यही अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के जो है मैं जहाँ पर भी जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में उनके आपके साथ जो है वो ज़रूर रिव्यू शेयर करती हूँ, और जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये कोई जो है वो प्रीपेड प्रमोशन मेरी नहीं होती है, क्योंकि मैं अपना जो है काम खुद करती हूँ और हमेशा जो है वो सच और सच्चाई उसी के रास्ते पे चलती हूँ। कभी मैं जो है वो दोगली बात नहीं करती कि हाँ अच्छा नहीं भी है तो उसको अच्छा बोलूँ। तो यहाँ पर जो है वो फूड को कर रही हूँ इंजॉय। अब जाहिर सी बात है मंगवाया था और एक ख्वाहिश भी थी कि अभी एक नया रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो कुछ अच्छा भी उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया होगा, लेकिन लग रहा था कि इनके ना कुक जो हैं वो सही नहीं है, और सबसे जो मेन बात थी वो यहाँ की सर्विस जो बहुत ही पुअर थी। इन लोगों ने जो वेटर्स वगैरह और जो स्टाफ रखा हुआ था, मुझे लग रहा था जो रोड साइड के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वही स्टाफ इन लोगों ने जो है कम पैसों में अपने पास जो है यानी उनको जो है जॉब पर रख लिया है। पुअर मैनेजमेंट, पुअर स्टाफ सर्विस, यानी इनकी सर्विस बहुत ही थर्ड क्लास थी। मिनरल वाटर के लिए भी जो 3 दफ़ा कहना पड़ रहा था तब आया, कोल्ड ड्रिंक के लिए भी यही हाल हुआ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं जिंसॉय में नहीं आ गई, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। और जहाँ तक चाउमीन की बात है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, बहुत मायूसी हुई। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, क्या पता रिस्क है तो खाना ही पड़ गया, लेकिन मैं अब दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगी, यानी नॉर्थ नाज़माबाद के जिंसॉय में मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है आने का। हो सकता है मैं दूसरी किसी इनकी ब्रांच में चली जाऊं, लेकिन यहां तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, क्योंकि एक दफ़ा दिल मेरा जहां पर भी टूट जाता है ना तो फिर दोबारा दिल जुड़ने में ना टाइम लगता है। तो ये एक छोटी सी दुख भरी दास्तान भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, और आइंदा भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का आपको रिव्यू दूंगी और वो भी ऑनेस्ट। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मैं फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होती है। और बस चलते चलते अब घर की तरफ रवाना हो रही हूँ, तो आप जो है यहाँ का सेटअप भी देख लें। मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों के जो है वो स्कूल में आ गई हूँ, बिल्कुल बच्चों के स्कूल में इसी तरह का ही सेटअप होता था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।